ये हमारे गौतम मनाज लग रहे हैं सफाई में गाड़ी के, कह रहे आज मैं गाड़ी चमका के छोड़ूंगा। अंदर से चमका दी, बाहर से लगे हुए। ये हमारी परी बेट उड़ेगी परु, क्या कर रहे पापा? क्या कर रहे बरीक पापा? कहाँ है उब्बा? गाय है बेटा वो, गाय। क्या है परी? गाय है, गाय। चैनल एंड टुडेज व्लॉग। तो आज का पूरा दिन, लिटरली पूरा दिन सफाई में निकल गया। आज गौतम मना का ऑफ था, सैटरडे ऑफ होता है उनका। तो हम लोगों ने खिड़की दरवाजे वगैरह जो बच रहे थे वो करे, हमें लगा डेढ़ दो घंटे में हो जाएगा, बट मतलब पाँच छः घंटे लग गए, क्योंकि डीप क्लीनिंग करने में इतना ही टाइम लग जाता है। फिर बाथरूम वगैरह क्लीन करने थे, मैंने अपना वाला बाथरूम क्लीन किया, गौतम मना ने जो कॉमन वॉशरूम है हमारे हॉल वाला वो किया, फिर मैंने किचन की डीप क्लीनिंग की। मैंने आपको बताया था कि धनतेरस वाले दिन करेंगे, क्योंकि रोज़ फिर खाना वगैरह बनाते हैं तो फिर मतलब ख़राब हो ही जाता है, तो किचन सही किया। और आपको भी लाइट्स दिख रही होंगी, मेन गेट ये बालकनी वाला जो गेट है उसमें से, तो सामने वाले अंकल जी और बना आ गए हैं, तो वो अपनी लाइट्स लगा रहे हैं, और हमारे भी ऊपर अंधेरा हो गया। भैया डुग्गू और गौतम मना भी गए हैं लाइट्स लगाने, तो वो लाइट्स लगा रहे हैं, और पूरे घर की अच्छी तरीके से डीप क्लीनिंग हो गई है। और हमने सोचा था हम 3 बजे तक फ्री हो जाएंगे, फिर आज धनतेरस से तो शॉपिंग के लिए जाएंगे, बट हम फ्री नहीं हो पाए, 5 बज गए थे, क्योंकि मतलब काम से तो हम 4 बजे फ्री हो गए थे क्लीनिंग करके, बट गौतम मना बोले मुझे अपनी गाड़ी भी मतलब क्लीन करनी है, तो अंदर से भी उन्हें क्लीन करनी थी, बाहर से भी, तो वो करने लग गए, तो ऐसे करते करते 6 बज गए। फिर ये बोले यार शॉपिंग के लिए कल चलेंगे, वैसे भी कल, आज वैसे भी मार्केट में ज़्यादा भीड़ होगी धनतेरस है, तो अब हम कल जाएंगे सुबह नहा धो के, जल्दी चले जाएंगे हम लोग। तो आज पूरा दिन सफाई में निकल गया, तो धनतेरस है। हाँ पटाखे, परी को पटाखों से डर लगता है इसलिए देखो ऊपर चढ़ी हुई है यहाँ पे। हाँ कोई बात नहीं, पापा को बोलेंगे पटाखे नहीं चलाएंगे, ठीक है दुगू भैया। तो अब बस खाना वाना बनाने की मैं तैयारी करती हूँ, अब मैं खाना वाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ये लोग अपनी लाइट्स वगैरह लगा रहे हैं, लग जाएगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और आज धनतेरस है तो इन्हें बोलूंगी कोई चांदी का सिक्का या कोई तांबे वगैरह का बर्तन वगैरह ले आएंगे, झाड़ू में ले ही आई थी, तो कुछ लाना चाहिए ऐसे आज के दिन। तो देखते हैं, या तो मैं खुद ही जाऊँगी इनके साथ खाना वाना बना लेती हूँ, इनकी लाइट्स लग जाएंगी, या फिर इनको बोल दूंगी ये लेंगे, बाकी की शॉपिंग हम कल करेंगे। हमारे परी भाई साहब बैठे हुए हैं। परी इसको डर लगता पटाखों से, इसलिए यहाँ बैठी, ऊपर भी नहीं गई, अभी एप्पल खाया मेरे बेटा ने, मुँह छाप नहीं खोला आपने, एप्पल खाया था। राधे राधे कर दो, जीजे कर दो, बिल्लू बाय बाय, बाय बाय नहीं करना। आज के दिन पांच घी के दिए जलाते हैं, हाँ 5 ही बताए थे मम्मी ने, एक बड़ा जो घी का जलेगा, जो पूजा के स्थान पे जहाँ हम दिवाली पूजेंगे पूजन करेंगे वहाँ पे रखा जाएगा, और 4 हम तेल के जलाएंगे, वो घर में हम कहीं भी रख सकते हैं। 5 दिए, ये बड़ा वाला जिसमें जोत जलेगी, और बाकी के 4 ये मैंने पानी में धो के रख दिए हैं, अब इनमें तेल और घी डाल के जलाएंगे। ये जला ली और मंदिर की भी आरती स्टार्ट हो गई है, तो ये बीच में एक घी का दिया बड़ा वाला ये हम रखेंगे पूजा के स्थान पे, और बाकी के 4 हैं वो अपने घर में देखते हैं कहाँ कहाँ रखते हैं। हमने दिया और ये बाकी के और घर में लगाएंगे, यहीं पे हमारे हर साल दिवाली पूजते हम लोग, यहाँ पे माता की ओर लगाते हैं, तो आपको दिख रहा होगा टेप वगैरह से लगाते हैं तो दीवार पे। और ये परी मैडम बैठे हैं, और इसको ऐसा लग रहा होता है क्या जला दिया, ताता ताता कर रही है, जी जी कर दो, जी जी भगवान जी है, जी जी लगे हुए पटाखे जला मैंने में, ये पता नहीं कितने पटाखे। हाँ अभी हो जाता था कल्याण बलिया ही रहो, टक्की के ऊपर रखे हैं खूब सारे, तो हाथ में फूट गया तुम, पॉल्यूशन करता रहता है खुशी।
फुस्सी फुस्सी लेके आते हैं कि सारे, कल भी सारे फुस्सी थे। सब घरों में लाइट्स लग चुकी हैं, दिखता होगा आपको। देखो आईफोन के फायदे, इतने अंधेरे में भी उजाला दिख रहा है। ये भी फुस्सी है क्या? ये तो बजा डुगू, ये तो बजा। हमारी लाइट्स भी लग गई, देखते हैं आपको। ये भी हमारे घर की लाइट्स भी लग गई। अरे सुबह मैंने शूज धोए थे और ये आज सुबह से ना पानी रिस रहा है इस नल में से। मैं गौतम अन्ना को सुबह से कह रही हूँ चेंज कर दो, चेंज कर दो। अब लेके तो आए, देखो चेंज करेंगे तो। सामने अंकल जी लगा दिए, वरना आप नहीं लगा रहे हैं। और एक दो में लाइट्स लग गई। दिवाली के मजे ही अलग है, दिवाली पे लाइट्स ही लाइट्स, आनंद आ जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, भूल जाती हूँ मैं इंट्रो कर चुकी हूँ ऑलरेडी कल ही, तो मैं गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू करने वाली थी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ऑल। तो आज है छोटी दिवाली, हमारे यहाँ पे छोटी दिवाली बोलते हैं, आपके वहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताना। धनतेरस से जो दूसरा दिन होता है या दिवाली से एक दिन पहले, तो मैं नहा ली हूँ, परी भी नहा ली है। गौतम मना नहीं नहाए क्योंकि वो थोड़ा बहुत कुछ काम बच रहा था, वो कर रहे थे अपना फिनिश। तो अब हम लोग जा रहे हैं मार्केट, मैंने आपको बताया था कल हम मार्केट नहीं जा पाए थे, इसलिए आज हम मार्केट जाएंगे, जो हमारे काम बच रहे हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो पहले ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, उसके बाद मार्केट। आए हैं मिरर की शॉप पे हमारे हॉल के लिए मिरर लेने, हमने पसंद कर लिया है। भैया निकाल रहे हैं हमको जो पसंद आया। मैं और बना आए हुए हैं सिकर हाउस, आपको दिख रहा होगा, और इतनी कोई भीड़ नहीं है, हमें लगा था भीड़ होगी बट ज़्यादा भीड़ नहीं है। तो देख रहे हैं कुछ थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, घर जाकर आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या लिया, अभी यहाँ नहीं दिखा सकती। कुशन हम लोग आ गए यहाँ पे बड़ी चौपड़ चांद पर, आपको दिख रहा है हेलमेट के जैसे, क्योंकि इतना सारा सामान हो गया हाथ में, बना पूजा की सामग्री लेने गए हैं। तो ये बोले अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा तो तेरे को लाइट्स भी दिखा दूंगा, तो इसलिए हम लोग और जो सामान है कुछ मेरे को लेना था वो सब यहीं से ही ले रहे हैं। और बना पीछे आपको दिख रहे होंगे, थोड़ी देर में फेमस हमारी सिटी की लाइटिंग जो होती है वो चालू हो जाएगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये है त्रिपोलिया मार्केट, यही बोलते हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है। हम कहाँ के कहाँ पहुँचे हैं, हम गए थे सिकर हाउस, सिकर हाउस से हम चले गए चांदपोल, चांदपोल से चले गए त्रिपोलिया मार्केट, और वहाँ से वापस आए, फिर हम चले गए झोटवाड़ा, झोटवाड़ा से अब हम आ गए विद्याधर नगर। आज हमने सारी जगह कवर कर ली, और यहाँ विद्याधर नगर हम कुछ खा रहे हैं, बैठ के थक गए, मैंने लोग कुछ खिला तो दो, सारे मार्केट घुमा लाए, ये बैठे हैं। कोई इंटरेस्ट नहीं इनको, लेकिन हमें गुलाब के फूल नहीं मिले कहीं पे भी। इन्होंने सब शॉप वालों ने स्टॉक कर लिया है कि कल बेचेंगे। हमारा डोसा आगे खाते हैं, भूख लग रही है। मतलब गौतम मना थोड़ा सा बड़ा लेने के लिए बोल रहे थे, बट मैंने मना कर दिया, मैंने बोला बड़ा नहीं लेते हैं क्योंकि फिर साइड में जो हमारे टाइल्स है ना वो नहीं दिखती, टाइल्स का लुक छुप जाता। और ये जो सिंक है ये भी मैं खुद पसंद करके लाई थी पेंटागन शेप की, उस टाइम पे जब घर बना था, तो अब आपको बहुत ही अच्छी अच्छी मेरी मिरर सेल्फी दिखेंगी। बट मुझे अभी लेनी नहीं आती, तो रवि से सीखूंगी मैं कैसे लेते हैं, उसके बाद देखते कैसी आती है हमारी मिरर सेल्फी, अच्छी आई है आई होप। तो ये हमारा शीशा जो हम सुबह लाए थे, और अभी मैं बहुत सारा सामान लेके आई हूँ, बट पहले अभी आपको मंदिर घंटी सुनाई थी, मैं घी का दिया जला के आ गई हूँ, तेल वाले दिए और जला लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करेंगे। ओहो इसमें तो आपको ऐसे में हाथ कर देते हैं कैमरे पे, इसमें तो पीछे करना पड़ेगा। भिगो के रख दें, घी का जला दिया, सात दिए जलेंगे तो एक घी का हो गया, और ये छह तेल के जलेंगे, तो इन्हें
पानी भिगो के रख दिया। मैं आपको दिखा देती हूँ हम क्या क्या लेके आए हैं। ये डीबले लेके आए हैं, ठीक है, मतलब दिए डीबले बोलते हैं हमारे, तो ये कल जलाएंगे जो हम, ठीक है। इसमें है गेंदे के फूल, ठीक है, इनको फ्रिज में रख देंगे, सुबह माला बनाएंगे। इसमें है 5 तरीके के फल होते हैं, जो फल या सब्जी जो भी बोलते हैं, मतलब फल ही होते हैं मेरे ख्याल से, तो जो हम भोग लगाएंगे लक्ष्मी जी के, ठीक है। ये मैं चांदपोल से ली थी, हम इसी कराउट से लिए थे, एक जगह मिल रहे थे 20 रुपए के, मतलब ये लेने नहीं देते मैंने, लिया 20 रुपए का एक पेयर, बताओ इतना सस्ता 20 रुपए का एक पेयर मिला, तो ये लेके आए थे सुंदर, ठीक है। और उसके बाद इसमें है पान का पत्ता, ये भी लक्ष्मी जी के हमारे भोग लगता है। इसमें है लड्डू और जलेबी का भोग लगेगा वो, ये परी के लिए केला। और इसमें है, हाँ इसमें है पूजा की सामग्री वगैरह, और ये खील खिला रहे, ओके। ये मैं लाई हूँ कुशन कवर, और ये कुशन ये लगाएंगे तब आपको दिखाएंगे। कमल कहाँ रख दिया फ्रिज में, कमल तो निकला ही नहीं कहीं। इसमें देखो फूल वाली में शायद कमल है ना, फूल वाली नहीं, नहीं गेंदे के फूल वाली में देखो। ये मिठाई के डब्बे प्योर एक जगह मिल रही थी, मतलब वो सिर्फ बर्फी बना रहे थे मावा के, और ये प्योर है, हमने खा के देखे, तो 2 डब्बे लिए, एक घर के लिए, यहाँ के लिए, और एक भाई दूज पे रवि को दूंगी, ठीक है। और ये आ गया मेरा छोना बेटा, दादी सा के पास खेल रहा था सितान। ओले 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 भैया, ओले भैया, बाल कैसे हो रही है गुल्लू के। देखे कवर लेके आई हूँ, तो जब लगाऊंगी तब मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, अभी फिलहाल पूजा उजा कर। अच्छा, 2 अपन ऊपर पूछ चुके हैं ना, तीसरी पूछ रहे हैं, हाँ तो 5वीं दिवाली है, तो 4 साल गौतम मन्ना ने कभी इतना काम नहीं कराया जितना अब की बार कराया, बहुत काम कराया। थैंक यू। यूं ही अब अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। ये देखो परी मसाले वाला ड्रॉर खोल के खड़ी हुई, गुन्नू बंद करो, देखो लेती हूँ अब इससे सारे ड्रॉर खुल जाते, और ये यही करती है। और मेरा घर इतना अच्छा लग रहा है, प्यारा प्यारा सा, स्वीट स्वीट सा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सोफे के कवर भी लगा दिए, अभी आपको दिखाती हूँ मैं, बाकी मैंने सोचा था होम टूर कराऊंगी तब दिखाऊंगी आपको, बट अब दिखा देते हैं, कोई बात नहीं, होम टूर तो जब होगा तब होगा। तो ये रहे, ये जो सोफे का ये वाला है, ग्रे कलर का ये लाई हूँ मैं, और ये बहुत ही मोटा है, काफ़ी वेलवेट में है, बहुत ज़्यादा मोटा है। और ये छोटे वाले कुशन्स हैं, ये लाई हूँ, कुछ के कुशन कवर भी लाई हूँ, ये स्पार्कल वाले ऑलरेडी मेरे पास थे, तो ये अब इस तरीके से लग रहे हैं। अच्छा लग रहा है ना, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना आप लोग कैसे लग रहे हैं। और यहाँ पीछे के ला नहीं सकते थे, क्योंकि यहाँ के मेरी इच्छा थी यहाँ का भी ऐसा ही लाने का जैसे ये नीचे का है, बट यहाँ पे ये चीज़ है तो इसके ऊपर ये अंदर जा नहीं सकती थी वो, और यहाँ ऊपर लग नहीं सकती थी, इस वजह से नहीं लेके आए। लेकिन अब ये बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे ही मुझे। अब आप प्लीज मेरे सोफा ख़राब मत करो बैठ के। ओहो हो, पीटी कर दे बेटा पापा की, पीटी कर दे। आज छोटी दिवाली का दिन बहुत अच्छा गया, कल धनतेरस का दिन भी बहुत अच्छा गया था। आप लोगों ने किस तरीके से धनतेरस मनाई प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना,
और अब हम करते हैं खाने की तैयारी क्योंकि बज चुके हैं 7:30। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर देना। इसी तरीके से प्यार बनाए रखे, सपोर्ट करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।